आपस में लड़कियां बात कर रही थी, तब तक एक गांव की बहू आई के बैठ गई। और बहू चुपचाप बैठी वे आपस में बातें चीते कर रही। एक लड़की कान लगी कि तुम उतनी देर से चुपकाए बैठी, तुम तो कुछ कह ले। अब बहुओं की बेचारी की बड़ा आफत होते है, अगर सास के संग में जाए तो आगे जाए तो कहते हैं कि उठनी की नाय बज रही है, और पीछे से चले तो कहते हैं अरे एड़े काय फोरे डाल रही है, पैर पे पैर धर रही है। तो बहुओं की बड़ा आफत होते है। अपने यही पे देखी बेचारी लाज मारे बैठी, देखना है पाती तो कहूं ऐसे कर लेती, कहूं ऐसे कर लेती। सासे बैठी अगर मुंह खोल लिए तो भैया सभी से कहना चाहूंगी कि इस पर्दा से कुछ नहीं होता। जो आप मुंह के ऊपर पर्दा कर लेती हो इससे कुछ नहीं होता। उन सासों से कहना चाहती हो जो बहुओं को तंग करती है। अब सासे वो यहाँ आई नहीं होंगी और एक आधी बैठी हो तो समझ लेना, पर्दा केवल नजरों की होती है। पर्दा ऐसी नहीं होती है कि तुम घूंघट तो मान लो घूपड़ो चौराहे पे खड़े होके लड़ो, ये पर्दा नहीं होती। पर्दा सिर्फ सिर्फ आंखों की हुआ करती है। सास ससुर को अपना माता और पिता समझ करके सेवा करें। घूंघट मारो या ना मारो लेकिन उनसे कभी जिंदगी में कोई ऐसा शब्द भी ना कहो जो कि उनके दिल को चोट लगे। और सासों से निवेदन है कि बहुओं को बेटी समझ करके घर में प्यार दें। ऐसे नहीं कि बहू आ गई तो बहू को तो बहू समझ रही है और बेटी को बेटी समझ रही है। बहू पे अगर कोई काम बिगड़ गया तो चार छह गालियां सुना दी, और बेटी पर कोई काम बिगड़ गया तो कुछ नहीं कहा। अगर यहाँ पर यह फर्क हो जाता है तभी बहू और सास में लड़ाई होती है। ऐसे घर मैंने बहुत कम देखे जहाँ सास और बहू में कम लड़ाई होती है, लेकिन और तो घर में हमेशा महाभारत ही रचो रात। सुबह अगर कट गया तो शाम नहीं कटेगी, और शाम कट गया तो सुबह नहीं कटेगी। अभी एक जगह में कथा कह रही थी गोंडा बस्ती में, तो वहां पर एक लोग थे ब्राह्मण परिवार से थे, तो मैं देख रही थी उनके यहाँ तो हालांकि कथा कहने के लिए नहीं गए थे लेकिन उनका घर बिल्कुल बगल में था जिनके यहाँ कथा हो रही थी। तो मैं देखती थी कि वहां पर सास और बहू में रोज लड़ाई होती थी। अब उनकी तो भाषा भी समझ में नहीं आती थी कि ये क्या बोलते क्या नहीं। अगर हम लोगों से बोले तो सब समझ में आता था, लेकिन अगर वो आपस में बोले तो समझ नहीं आता था किसे कौन गाली दे रहा है क्या कह रहा है। तो मैं देख रही थी कि वहां पर नित प्रतिदिन लड़ाई होती थी। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि कलयुग में ऐसे कम घर हैं जिनमें लड़ाई ना होती है। और कहते हैं ना कि जहां पर चार छह बर्तन होते हैं वहां तो खटकते ही हैं, कितने भी संभाल करके रखो लेकिन फिर भी आवाज कर देते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि बहुओं को बेटियां समझ करके प्यार दें और बहुएं अपनी सास को अपनी माँ समझ करके प्यार दें। बहू आकर के बैठ गई, जवाब दिया है कि तू काहे के लिए इतनो लंबो घूंघट मारे बैठी, अरे तू तो कछु कह ले। तो बहू बोली बहना का कह ले, कल लाए थे कन्हैया गलियन में भागत रे, तूने देखे नहीं। बोले देखे तो है लेकिन खूब अच्छी तरह से नहीं देख पाई। फिर बोली है